गोरखनाथ स्थित झूलेलाल मंदिर से भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि शोभा यात्रा को भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यह शोभा यात्रा 71 वर्षों से लगातार हर वर्ष निकाली जा रही है। कोरोना के कारण शोभा यात्रा 2 साल से बंद थी, लेकिन इस वर्ष स्थिति सामान्य रहने के कारण यह शोभा यात्रा निकाली गई है। इसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए और भगवान झूलेलाल की जयकारा लगाते हुए नजर आ रहे थे। यह शोभा यात्रा झूलेलाल मंदिर से निकलकर भगवती स्कूल, चिटाशंकर पोखरा होते हुए अलीनगर, बख्शीपुर, बैंक रोड होते हुए वापस विजय चौराहे पर समाप्त हुआ, जिसके संबंध में झूलेलाल कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन वलानी ने बताया कि 71 वर्षों से यह शोभा यात्रा निकलती आ रही है, जिसमें तरह तरह की झांकियां भी शामिल हैं। भारी संख्या में हर धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर महापौर सीताराम जायसवाल, गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी, नगर निगम के उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा सहित भारी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए झूलेलाल कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन वलानी एवं गोरखनाथ मंदिर के सचिव द्वारका तिवारी ने कहा, गोरखनाथ मंदिर से पधारे सामने आ रहे हैं माल्यार्पण करते हुए। विश्वजीत आंजू सिंह आंजू जी हम आपका स्वागत आज पधारे हुए हैं। कुछ झूलेलाल वाहन को धीरे से आगे बढ़ावे, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा झूलेलाल महोत्सव के शुभारंभ का झंडी का कार्यक्रम शुभारंभ होने जा रहा है। आप सभी गज कर ले लो बाबा अमर लाल की, हरि बाबा गुरु गोरखनाथ धर्म की, आयो लाल सब Thank you.
हवा जैसी ठंडक का एहसास दे, उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। चुकी अलवाल सबरी चोर वालानी अध्यक्ष झूलेलाल कमेटी। झूलेलाल जी की शोभा यात्रा निकाली गई थी, कितने वर्षों से निकाली जा रही है? ये पिछले 71 वर्षों से निकाली जा रही है, जिसमें 2 वर्ष कोविड के शोभा यात्रा नहीं निकाली गई थी। और इसका रूट यहाँ से होकर भगवती स्कूल और भगवती स्कूल से होकर के जटाशंकर पोखरा होते हुए अलीनगर बख्शीपुर होते हुए बैंक रोड और वापस विजय चौराहे पे आकर के गणेश चौराहे से होके गोलघर कृपाल वस्त्रालय पे जा करके झांकियों का समाप्त हो जाता है। वहाँ से फिर जो है मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम के लिए जितनी भी झांकियाँ हैं वो वहाँ से राजघाट के लिए प्रस्थान करती हैं। मैं यहाँ 51 वर्ष से गोरखनाथ मंदिर में हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ झूलेलाल जी महाराज का यह उत्सव मनाया जा रहा है। और यही नहीं, हमको लगता है पूरे भारतवर्ष में ये त्यौहार मनाया जाता है। सिंधी समाज गोरखपुर की और गोरखनाथ मंदिर की रीढ़ रही है। हर कार्यक्रम में वे लोग भी आते रहे हैं, हर कार्यक्रम में हम लोग तो आते ही हैं, महाराज जी स्वयं पधारते रहे हैं। अब चूंकि मुख्यमंत्री हो गए हैं इस नाते व्यस्तता के कारण नहीं उपस्थित हुए, लेकिन प्रत्येक वर्ष ये इस कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित होते रहे हैं। बड़े उत्साह के साथ हमारे सिंधी समाज ये कार्यक्रम मनाते हैं। इसमें सारे गोरखपुर के लोग की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, गोरखपुर की जनता भी इसे बड़े उत्साह के साथ मनाती है। ये सारे लोग अपने अपने वाहन से एक बहुत बड़ा जुलूस शोभा यात्रा पूरे शहर में निकाला जाता है। हमें यह आशा है कि यह कार्यक्रम अनवरत प्रत्येक वर्ष भविष्य में भी चलता रहेगा। भगवान गोरखनाथ जी यह कार्यक्रम को सफल बनाने में आशीर्वाद दें। हम भी गोरखनाथ मंदिर की ओर से भी ये हम अवश्य कामना करते हैं, शुभकामना भी देते हैं, ये कार्यक्रम सदैव चलता रहेगा।